आज की वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोकल होस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव सर्वर पर आसानी के साथ मुंतकिल करना सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। टीटेट्स पर खुश आमदेद, मेरा नाम शाह मुइनुद्दीन है। एक पुराने ट्यूटोरियल जिसका लिंक आपको स्क्रीन और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने आपको लोकल कंप्यूटर पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया था। आज हम लोकल होस्ट पर बनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव सर्वर पर मुंतकिल करेंगे। इस डेमो ट्यूटोरियल के लिए मैंने एक डेमो डोमेन demo.dtuts.com पर फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है और लोकल होस्ट पर एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई हुई है। लोकल होस्ट वेबसाइट को लाइव सर्वर पर मुंतकिल करने के लिए अपनी लोकल वेबसाइट के प्लगइन्स के मेन्यू में आ जाइए और यहाँ हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। लोकल वेबसाइट पर इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के साथ साथ अपनी लाइव वेबसाइट पर भी इसी प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए। अब हम लोकल वेबसाइट पर इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं। जो ही हमने लोकल वेबसाइट पर इस प्लगइन को एक्टिवेट किया, आप देखें कि साइड बार में एक नए मेन्यू ऑल इन वन WP माइग्रेशन का इजाफा हो गया। यहां से आप एक्सपोर्ट पर चले आइए और एक्सपोर्ट टू फाइल कर लीजिए। डाउनलोड लोकल होस्ट, इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अब हम लाइव वेबसाइट पर आएंगे और इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे। इंपोर्ट के मेन्यू पर आ जाइए। अब वो फाइल जो हमने लोकल होस्ट पर डाउनलोड की थी उसे यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फाइल अपलोड हो रही है। जितनी देर में ये फाइल अपलोड होती है आप डीटेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वर्डप्रेस डिज़ाइन डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग के मुतालिक ट्यूटोरियल आपको बर वक्त मिलते रहें। अपलोड का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और ये नया डायलॉग बॉक्स आ रहा है सामने, जो कि ये बता रहा है कि इंपोर्ट का ये प्रोसेस आपके पुराने डेटाबेस, मीडिया फाइल्स और प्लगइन्स वगैरह को ओवरराइट कर देगा। मुझे इसमें कोई मसला नहीं, सो मैं प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। नहीं जी, आपका डेटा कामयाबी से इंपोर्ट हो गया है। अब आपने अपने परमालिंक स्ट्रक्चर को नए सिरे से सेव करना है। इसके लिए परमालिंक सेटिंग पर क्लिक कीजिए और लोकल होस्ट वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन कर लीजिए। परमालिंक सेटिंग के अंदर आप परमालिंक स्ट्रक्चर को पोस्ट नेम से प्लेन करके सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद एक मरतबा फिर से स्ट्रक्चर को प्लेन से पोस्ट कर दीजिए। चलें जी, अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं। लीजिए जनाब, हमने कामयाबी से अपनी लोकल होस्ट वेबसाइट को हूबहू लाइव सर्वर पर मुंतकिल कर दिया है। तो उम्मीद है आपको आज का ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। अपने डिज़ाइन डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग से मुतलक नए ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसे ही ट्यूटोरियल के साथ चल मुलाकात होगी।